इस वीडियो में दिखाया गया किसी भी पत्र को सीरियसली ना ले, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए है और एंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी दिखाइए। और किसी भी धर्म जाति किसी भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो सीरियसली ना ले। थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ टोनी बुक्खड़। मैं आज रिएक्शन देने आ रहा हूँ हमारा जो नया सॉन्ग आया है। सो और ये गुज्जू ब्रदर्स के एक भाई मेरी सतवारा जी, आप भी कुछ बोलिए। मैं आया हूँ इसका इंटरव्यू लेने, ठीक है? नहीं इसको बुलाया, इसकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। शाबाश। रुको रुको, जरा सबर करो। देख सकते हो कर क्या रहा है। नहीं भाई भाई सॉरी रे, चाहिए जो चाहिए भैया। आपका क्या कहना है कमेंट में? अब देख सकते हो ये उसकी हरकतें। इसके लिए टोनी बुक्खड़ बहुत बहुत बदनाम नहीं, सॉरी बदनाम नहीं, बहुत 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 जाने जाते हैं। समझ गए आप तो? नहीं। बहुत समझदार है। मेरी जो लिरिक्स होती है ना, लिरिक्स का तो कोई कहना ही नहीं है। अरे यार, दो घंटे में ट्रेंडिंग पे वही दो। अच्छा। यार आप मेरे से कुछ इंस्पिरेशन लीजिए कि मेरे जैसे को लिरिक्स आपको कहाँ से मिलती है। कुछ नहीं करने का, ओनली एक आप घर में कुछ सादा सा आप काम करते हो ना। रुको, इस बुक्खड़ को अब रहने दो, क्या बोलना, सॉरी। तो घर में कुछ ना कुछ काम करते रहने और तो उसको गुनगुनाने का, समझ सकते? तो सेलिब्रिटी है। मैं क्या करता हूँ कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि मैंने पानी का ग्लास उठाया बाब, और वो जो पानी का ग्लास है उसको मैंने ऊपर से यानी कि पिया। आप लोग यहाँ से, मैं ऐसे पीता हूँ। ओके, सो ग्लास उठा है पानी का। ओके, ये तो मेरे अगले गाने के लिरिक्स है, बट आपको बता रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपको एक आइडिया आए कि कैसे आप लिरिक्स लिख सकते। रुको, कितना खाएगा ये? मैंने बोला प्यारा है कि शरीर है, शरीर को साथ रहना चाहिए। तू भाई इंटरव्यू देने हैं, दे दो शांति। सो उसके बाद मैंने क्या बोला, पानी पिया मैंने ग्लास में, पहले यही बोला था ना। अबे साले, या पानी पिया मैंने ग्लास में, प्यास लगी थी मुझे गले में। लगा ना ये थोड़ा, ये लीजेंडरी होते हैं ना, उनको ही ऐसे लिरिक्स आती है, समझ सकते हैं आप? हाँ। पानी पिया मैंने ग्लास में, प्यास लगी थी मेरे गले में। आगे के लिरिक्स मैं भूल गया हूँ थोड़ा, अभी मैं थोड़ा जो मेरा गला है ना, जो यहाँ पे सूखा पड़ा है। हाँ। थोड़ा मैं पानी पीऊंगा ना, तो उसके बाद सब यानी थोड़ा गीला हो जाएगा। उसके बाद मैं वो जो पानी जाएगा ना। हाँ। तो पता चलेगा कि अभी क्या लिखना है। हाँ। तो थोड़ा पानी का इंतजाम हो तो। चुप, बिल्कुल चुप। कोई बात नहीं, चलो मैं उतार यानी कि जो यानी वो पानी जो था वो नेचुरली पानी हो गया। सो रुकिए, गुड मॉर्निंग। ये क्या है, वो निकल जाता है यहाँ पे, सेफ्टी पिन जो लगा थी नहीं ना, वो भूल गया। कोई बात नहीं, चलो सॉरी। सो कॉस्ट्यूम के जो भी थे बहुत सही से नहीं किया है काम, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अरे वो वर्ल्ड के बेस्ट है भाई। अब ऐसे मत, कॉस्ट्यूम पे नहीं जाने का, टोनी बुक्खड़ के कॉस्ट्यूम पे नहीं जाने का तेरे को। अच्छा, तो इंटरव्यू में आया इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी नीची है। नहीं तो
तू कहीं पे पहुंच जाता यार। अरे कोई बात नहीं, आप ऐसे इनको... मत बोलो, मेरे को हंसी आ रही है। मैंने कहा बोला तू हंस, ठीक है। तो मैंने पानी पिया नहीं ना, मैंने पानी पिया ग्लास में, प्यास लगी थी मेरे गले में, पानी गया गले से अंदर, आगे भूल गया, बोलो बोलो। उससे आई मुझे ग्लूकोज की एनर्जी। हट, कुछ भी, कुछ भी। ये थोड़ा मैंने बोला ना, ठीक है, मैं थोड़ा बोला ना कि कोई बात नहीं, हमारा जो करंट आया उसकी आप रिएक्शन दो ना भाई। करंट जो आया ना उसकी आप पूछो। अभी मैं ये करंट अंदर आया बाहर आया, करंट नहीं, करंट अभी अभी जो दो, हाँ, करंट पर करंट क्या आया है? दो दिन पहले जो हमारा जो हमारा आया ना सॉन्ग, आया क्या आया? बस सॉन्ग आया जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वही जो हम एडवर्टाइज करके उसको प्रमोट करते है ना, वो सॉन्ग अभी जो चल रहा है उसको। वो हम तो सोचते हैं आप एडवर्टाइज करके प्रमोट नहीं करते, मतलब ऐसी है आपकी सॉन्ग। नहीं, एक आपको सीक्रेट बात बताता हूँ आज, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये टोनी बुखड़ की एक सीक्रेट बात आपको आज जानने को मिल रही है, तो आप जानिए, आप भी जानिए, शांति के सुनिए आप। हाँ? मैं क्या करता हूँ कि देखो, मैंने लीजेंडरी लिरिक्स लिख के लीजेंडरी मैंने सॉन्ग बनाया। okay. अभी क्या होता है कि मैंने यूट्यूब पर डाला, बट okay. यूट्यूब पर मैं नया नया था, मेरी बहन तो यानी कि थी, बट मैं थोड़ा नया नया सा था। okay. फिर मैं आया कुछ ऐसे फ्रेंड्स के संग में, जो गिया जली, फिर कुछ और भी नाम्स है मेरे साथ, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मेरे फ्रेंड्स है, तो उन सब के संग में आया ना, तो मैं हम नवा में से हो गया हम दर्द में। ओहो, क्या बात। सो 2015 तक मेरे सब मैं अच्छे अच्छे गाने, और वो जो खाने थे ना, वो मैं वो गम वाले लिखता था, तो मज़ा नहीं आता था, और पब्लिक को चाहिए था क्रिंज कंटेंट। ओहो, वाह वाह। तो मैंने शुरू किया क्रिंज कंटेंट। ओहो, वाह वाह। पानी पी के गया गले में पानी, देखो इनका और होता है। कुछ नहीं बिगड़ता अदानी अंबानी का मेरे पानी पीने से। दो दो सेकंड में, दो दो मिनट में इसकी लिरिक्स फटाक से चेंज। ये भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ये सिंगर लोग है, इनकी मतलब कंपोजर लोग है इनकी, और राइटर लोग, इनकी सब अलग कहानी होती है। भाई मैं सिंगर में नहीं आता कदाच, मैं सिंगर में भी नहीं हूँ और वो रैपर में भी नहीं हूँ। तू रहने, तू किसी और जाति में आता है। इंटरव्यू देने आया ना, सही से दे, शांति से, चुपचाप। तो तुम कुछ पूछो मेरे बारे में तो मैं बता सकता हूँ मेरे बारे में। भाई मैंने अभी इस, भी एक बात की ना, तुम्हारी कॉस्ट्यूम के बारे में बताओ, क्या होता है वो सब? वो कॉस्ट्यूम का क्या है भाई, देख कि ये जो जर्सी है ना, ये जो जर्सी वो मैंने पहनी थी 2 साल पहले। हाँ। तो मॉम ने बोला कि भाई इसको फेंक तो नहीं सकते, ऐसी की ऐसी है। तो फिर मैंने जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा जमीरा है, फेंकना नहीं है। हाँ। मेरे को तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर रंग बरंग डाल के और कुछ थोड़ा तो थिगड़ा बिगड़ा मार के दे दूंगा। अच्छा। चलो, और उसकी बात हो गई। हाँ। और आपके कलेक्शन, रुक जा, कार कलेक्शन छोड़ यार, ये भुखड़े साला एक नंबर का। मैं भूख लग लगती है, बात मत बने, इसीलिए तू खा ले, फिर बोल। मैं भूख लग जाती है। हाँ। इसीलिए मैं जो है ना, शरीर है, संभालना पड़ता है। अभी अभी तेरा ये पॉइंट आया, अभी आगे पूछो। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये बढ़िया था भैया, ये बढ़िया था गुरु। पूछो पूछो, इसको पीछे जाने दो, मैं कुछ बोलता हूँ आपसे। इसको ना जाते जाते 2-4 में समझ जाओ, करके भगाऊंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या बोला भाई मुझे? तो बोल। अरे कुछ नहीं, वो तो हम सब की सीक्रेट बात है।
वो आप इंटरव्यू देने आए तो मेरे बात का तो आपका कार कलेक्शन और बाइक कलेक्शन का क्या? कार तो भाई कार का ऐसा ना ऐसा कहता है बंदा ये टोनी बुखार देखो देखो। अरे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। हट, ये बात सही बोली, पहली बार कोई सही बात बोल रहा है। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। भाई मैं लीजेंड हूँ, तू मुझे मत यानी वो कर। पता है कितना बड़ा है। तो कार का ऐसा ना कि मैं पार्ट्स में लाता हूँ, जो कार है ना उसके पहले टायर लाता हूँ। टायर लाता है, फिर थोड़ा भाव वो इंजन का कम हो तो इंजन लाता हूँ। अरे इतना भी मतलब तुम वो नहीं हो कि ऐसे ऐसे लाओ कार? ओए नहीं यार, मतलब अपने बहन के चलाता है ऐसा बोल। दिल की बात बोलनी भाई। बहुत सही पकड़ा है बंदा। बहन मुझे नई कार नहीं लाने देती, इतना कामयाब होने का क्या फायदा बोल। तू कामयाब है? हाँ बहुत बड़ा कामयाब है तू, बस कर बेटा ऐसे। और तू रहने दे, अभी इंडिया वाले तेरे, तू इंडिया वाले सामने जा, फिर रुलाएंगे तुमको सब। देख सही में ये बहुत बड़ा भुखड़ है। आगे बोलो। मैं भी कुछ बात नहीं करनी, आप अभी आपके ये भी न्यू करंट सॉन्ग है उसके बारे में बताओ कुछ। वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही मैं जा रहा था तो कैमरा मैन आगे बैठा था, मैंने बोला भाई शूट कर ले। हाँ नंबर नंबर ऐसे हाँ मैं आ गया सॉन्ग का, बस बोल दिया। ये कुछ लिख रहा था हाँ। तो डायरेक्टर ने बोला भाई ये कुछ लिरिक्स जैसा है, मैंने बोला चलो ठीक है ये कुछ नया बना देते है। तो ऐसे ही ये सॉन्ग की लिरिक्स लिखी गई है। और कुछ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बुखाड़ टोनी बुखाड़। अबे साले आपको खाना है? नहीं आप खा, रहने दे भाई रहने दे, तू अपना अपना घर में रह। मैं बोल रहा हूँ अभी करंट सॉन्ग तुम्हारा आया है हाँ, कुछ तो बताओ। अरे उसमें क्या है, कैसे शुरुआत हुई तुम्हारी, मतलब वो शूट की या कैसे जाके स्टूडियो में तूने गाया अपने, या हाँ, फिर दीदी से कोई राय भी ली या नहीं ली? नहीं दीदी तो यार भी क्या बताओ यार, ये सब भी सोशल हो जाएगा तो रहने दो। ठीक है चल उसके बारे में छोड़, बट बाकी तो बता। हाँ यानी जो मैंने बोला ना कि मैं जाना था रस्ते से, तो डायरेक्टर ने बोला कि भाई एक लिरिक्स लिखनी है। मैंने बोला ठीक है, तो 5-10 मिनट में मैंने लिरिक्स लिख के दिए, डायरेक्टर मेरे सामने देखते रह गया। तू भाई लेजेंड है, मुझे बोला तू भाई लेजेंड है। मैंने बोला वो तो मैं हूँ ही, अब मेरी तारीफ ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ क्योंकि करनी ही नहीं चाहिए। मेरी इज्जत की कि बेइज्जती की इसने? नहीं बेइज्जती की इज्जत की है मैंने, आप समझ नहीं रहे। वो समझ जाएंगे, वो तो सब हमारे भाई लोग, हमारी फैमिली, वो तो समझ जाएगी। इज्जत की बेइज्जती की आपने, सॉरी मैंने, ठीक है। आप तो रहन दो, बहुत बड़ी कलाकृति, बहुत बड़े कलाकार हो, रहन दो। आप आगे बोलो, आपका कंटिन्यू रखो बस। तो डायरेक्टर ने बोला भाई चलो अभी शूट भी कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम बाय मैंने तो जो चाय पानी का निकल के कर दिया, कोई 5-10 मिनट का शूट था, कोई माता कुछ ज्यादा नहीं थी इसमें। 5-10 मिनट बस। लीजेंड किसको बोलते हैं? बहुत सही, मतलब हाँ सबसे कम समय में काम कर ले। हाँ कम समय में ज्यादा काम कर ले, हाँ इसको लीजेंड बोलते हैं। हाँ शाबाश। अब आपका शूट का जो जगह था ये दीवार है, मतलब कलर करवाई थी ऐसे, मतलब लाके उठा के रख दिया है? नहीं ये स्पेशली हमारी एक सोसाइटी है वहाँ पे जो हम शूट करते हैं, कोई स्पेशली वहाँ पे लोग रहते भी है। अच्छा, जो फूल की आपने दुकान देखी वो सब, मतलब आपने रेंट पर दिया है क्या वो सब? अरे नहीं नहीं यानी कि जो डायरेक्टर है, फिर वो कैमरामैन हो गया,
ये सब हमारी एक सोसाइटी हम बना के हम यहाँ पे रहते हैं कि चलो टोनी टोनी भाई को यार रात को 3 बजे रिलीज सूजी है तो चलो शूट कर देते हैं। तो अंदर से एक प्रेरणा होनी चाहिए आपको हाँ। कि शूट करना है हाँ हाँ। तो एक क्या है कि आप अपना 110% आप दे सकते हो। ये आपके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि आप कुछ भी काम करो तो 110% अपना दो। बहुत सही बोला। दूसरी बार ये बंदा सही बोला है लाइफ में। भाई वैसे मैं लीजेंड हूँ भाई, तेरे को कैसे बताऊँ यार। हाँ वो दुनिया जानती है, ये हमारी फैमिली जानती है। कितना बड़ा लीजेंड है तू। अभी मेरे को कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो धक्के मार के भगाऊंगा। शांति से बैठा रहा है और इंटरव्यू दे, मैं पूछ रहा हूँ उसका। और बाकी सब बढ़िया? हाँ दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया है। कैसे आके भुखड़ की तरह, मतलब मैं मेरा खाना खा रहा हूँ, तेरे घर से कुछ लाया हूँ, इसलिए टोनी भुखड़ बोलते हैं इसको। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? मस्त है, देखो खा ले, चाक तो खा ले। रहने दे रहने दे भाई, तू रहने दे, इन टेस्ट कर सर। चलेगा भाई तू अभी रहने, अभी ये सॉन्ग आया उसका करंट जो भी अभी उसका, तू शांति रख दो मिनट। अरे अच्छा लगेगा, अबे तू शांति रख, फ्रेश हो जाएगा माइंड। हाँ ओके चल दे दे। ये सच में है ना, जाते जाते कुछ मेरे हाथ से खा के जाएगा वो, मैं उसको खिलाऊंगा देखना। ये भुखड़ है ना, मेरे को आइसक्रीम खाने का बहुत मन हुआ है। हाँ मैं आइसक्रीम नहीं गोले खिलाऊंगा उसके देखना। अरे ऐसे बात है, मैं नहीं खाते, बाहर बारिश चल रही है। हाँ कोई बात नहीं, बारिश में नहलाऊंगा अभी। अभी मेरी बात सुनो, अभी जो इसका करंट छोंगा है ठीक है, मेरे को तो नाम आता नहीं है, बताओ ना नाम क्या है उसका। यूट्यूब पे है, देख ले। देखो इसको बोलते हैं टोनी, यूट्यूब पे देख ले। इसको बोलते हैं टोनी क्योंकि टोनी है, उसको लिरिक्स लिखना नहीं आता भाई। ऐसा सॉरी यार, ये सब सामने बैठा पास में बैठा, मैं भूल गया। इसकी बेइज्जती बाद में करेंगे, इसको अभी थोड़ा इंटरव्यू खत्म होने को आया, देखते हैं। अरे आम तो रह ही गए, तू भी खा, आम तो खाएगा ना, बाद में चूसना ठीक है। अभी अरे स्लाइस करके लाया हूँ मैं स्पेशल ये इंटरव्यू बैठने के लिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसका तो खत्म हो गया। चलो ये टोनी की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, सच में ये टोनी भुखड़ को मैं सच में सारा मेरा इंटरव्यू खराब कर रहा है। अरे आम का सीजन है, खाना चाहिए आम, पेटी लाया था मैं, चूस ले। इनको भी दे, रहने दे तू अभी रख इसको। कैमरामैन ले जा, वो गाड़ी के डिक्की में है पेटी, ले लेना वो, उसको चाहिए भाई। उनके भाई यार क्या बताऊँ। चलो यार मेरा इंटरव्यू वैसे भी खराब हो गया, इसको जाते जाते उसको कुछ खिला के मैं छोड़ता हूँ ठीक है बाय। अरे नहीं वो ले, वो थोड़ा रिएक्शन नहीं देना। हाँ वो बाद में देंगे इसको, तो अभी इंटरव्यू खत्म कर दे, रिएक्शन कुछ और तरीके से होगा। नहीं क्यों, वो कुछ और तरीका है, अब देखना बाद में। रिएक्शन भी आया जी, अभी ये खाते खाते बोलता है, इससे गुस्सा होता है मेरे। उसमें क्या भाई, इसमें मेरा शरीर है, मैं खाऊंगा। फिर से बोल ये मेरा शरीर है, ये तो संभालना पड़ता है, स्टेमिना चाहिए ना भाई। स्टेमिना की ऐसी की तैसी, क्या बताया हम इसको। तू भी खा लिया तो रहने दे, अभी मैंने बोला ना तू शांति रह। अरे खत्म हो जाएगी भाई, बोलना मत। हाँ तुमको भी खत्म कर दूंगा उस थोड़ी देर, शांत रह। टोनी भुखड़ बहुत नाम कमा रहा है आजकल ठीक है। ये स्पेशल मंगाई है हापुस आम है। रहने दे भाई, बस अब उसके सॉन्ग का रिएक्शन चाहिए ना आपको, तो रिएक्शन अभी रिएक्शन शुरू करते ठीक है। अभी वो था ना कि जो उसका करंट सॉन्ग आया,
को ये समझ नहीं आया टोनी भाई, आपने ऐसा क्या कर दिया कि इसको इतने कम दिन में ट्रेंड पे ला दिया पूरे म्यूजिक की जो भी है लाइन उसमें। उसमें क्या है कि जो बीट अपना काम करती है, फिर जो लिरिक्स है वो अपना। लिरिक्स की बात मत कर भाई, ध्यान दे। एक लिरिक्स लिखी है भाई ने, लिरिक्स लिखी। अरे नहीं 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 नहीं, लिरिक्स लिरिक्स लिखी है इसने। अरे जबान जुड़ गई भाई, क्या तेरे को तकलीफ क्या है? मेरे को अकेले को तकलीफ नहीं है भैया, ये पूरी दुनिया, पूरी ये YouTube फैमिली, ये पूरे YouTube वाले, पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है तेरे से भाई, तू रहने दे। क्या बोल, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया है? अब भी पूछ रहे नहीं आती है, लिखनी नहीं आती। देखेंगे, चलो अभी अगली बार देखेंगे। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को मेरी लिरिक्स नहीं पसंद है। मेरे को नहीं भाई, भाई बैठ जा, शांति से बैठ जा, अपनी मार पड़ेगी तेरे को। देखो ये हमारे इंटरव्यू का माइक है, ठीक है, इंटरव्यू देने आया, सही से बैठ नहीं पा रहा, छोड़े। अबे साले यार, सही है बंदा, बहुत कड़क बंदा, इसीलिए तो मुझे लेजेंड बोलते हैं। नेहा कक्का, आपने तुम्हारे भाई को कैसे मतलब पाला है? आंटी जी, दीदी जी, आंटी जी, हाँ आंटी, अभी आंटी हो गई। नहीं मेरे मेरी दीदी है, तुम लोगों की आंटी, ठीक है। नेहा कक्कर हमारी आंटी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो टोनी जी आप लिरिक्स लिखते हो, ठीक है, लिरिक्स लिखने में थोड़ा ये कुछ होना चाहिए। एक मिनट रुको जरा, बेच भुखड़ को क्या बताओ, स्टेमिना थोड़ा तुमने मारा ना तो चला गया। तो इसमें अपना काम करता है, मतलब खाने में ना कुछ वो ऊपर नीचे होता है। बट क्या यार, जो बताओ अभी, सॉन्ग लिखता है, लिरिक्स लिखता है, उसमें ऊपर नीचे क्या कर देता है, मतलब कुछ भी लिरिक्स लिख देता है, कुछ भी। ऐसा नहीं, मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ। हाँ वो दिख रहा है इस अभी अभी जो आया, 2-3 दिन में ट्रेंडिंग में गया ना तुम्हारा सॉन्ग नंबर वाला। लिख दे नंबर, लिख दे नंबर, क्या है वो पता नहीं मेरे। देख भाई टोनी, मैं तेरे जैसा हूँ नहीं। चलो बाय द वे, और ये जो भी था ये सब हमको यानी सुन नहीं होता। सो आज हमने यानी कि चलो अभी साला मैं अभी जो कर रहा था जो भी रिएक्शन हम दे रहे थे, मैं इतना घुस गया, मेरे को सच में ये बोला कि टोनी बुखड़ जिंदा, टोनी बुखड़ रैपिंग भी नहीं करेगा और सिंगिंग भी नहीं करेगा, दोनों के बीच का करेगा, बट करेगा जरूर, ये मेरा वादा है, और ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ भैया जी, मर गए हम तो, ये मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। टोनी बुखड़ जिंदाबाद। चुप, बिल्कुल चुप। चलो बाय द वे, ऑल दिया ये जो भी था ये सब हमको यानी सुन नहीं होता। सो आज हमने यानी कि चलो अभी साला मैं अभी जो कर रहा था जो भी रिएक्शन हम दे रहे थे, मैं इतना घुस गया, मेरे को सच में ये बोला कि टोनी बुखड़ जिंदा, मैं तो शौक हो गया, मैं सच में मेरे को अचानक ही कुछ हो गया, ये लाइफ में सही में हो गया, टोनी भाई ने किया तो क्या होगा सबका। चलो सो आज का रिएक्शन बस यहीं तक, और वे जो लिरिक्स का, आप खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं, आपको हंसाते रहेंगे ऐसे ही। और ये रिएक्शन हमको खुद में मजा आया, और ये जो रिएक्शन हमने दिया लगता नहीं कोई एडिट करने का जैसा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, बस इसको वायरल कर दो, इतनी मेरी मेहरबानी, प्लीज प्लीज, आप ये हम दिल से बोल रहे हैं कि आप प्लीज हो सके तो ये टोनी भैया जी और नेहा दीदी तक ये पहुंचाइएगा, प्लीज हम यानी कि यहाँ से आपको रिक्वेस्ट करें, प्लीज आप वहां तक पहुंचाइएगा कि वो देखेंगे कि उनका यानी कि कंटेंट कैसा बन रहा है। नेहा दीदी को तो कुछ नहीं, वो तो बहुत सही है, पर टोनी भैया ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना, वो तो नहीं सुधरेंगे।
और क्या बोलेंगे यार, लिरिक्स के बारे में तू भी, तेरा क्या कहना है? अरे टुन्नी भैया, आप लिरिक्स लिखते हो, बहुत संभल के लिखा करो यार, मतलब कुछ भी। सो लिरिक्स का हम कहना चाहते हो तो नंबर लिख 98971 डम डिगा डम डम डम, आगे सब डम डिगा डम डम डम, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी आती है एकदम। कुछ भी कुछ भी। बहुत सही लिरिक्स लिखी आपने। नंबर लिख 98971, उसके आगे डम डिगा डम डम डम। ये शायरी जैसा नहीं लग रहा तुझे? शायरी भी ऐसी नहीं होती यार भैया, टोनी भैया सही है, आपको थोड़ा इम्प्रूव और करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है टोनी भैया, ऐसे नहीं चलेगा, ये म्यूजिक इंडस्ट्री है। ओके सो अगली बार हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को बदनाम मत किया करिए। आप सिंगिंग भी नहीं करते और वो क्या बोलते हैं कि रैपिंग भी नहीं करते, करते क्या है? कुछ है नहीं। अभी थोड़े महीने बाद आपको एक सॉन्ग देखने को मिलेगा हमारी, उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। अभी थोड़ा परफेक्शन आएगा तभी, क्योंकि परफेक्शन के बिना हम भी कोई पागल इसके टोनी बुखड़ के जैसे नहीं है कि ऐसे तीन मिनट में तीन लिरिक्स। ओके क्योंकि अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सही में ये जो भी यार, जो भी हमारी मतलब फैमिली कुछ नहीं, बट ये जो भी पब्लिक बोल सकती है, जो भी हमारी जो सेलिब्रिटी लोग, टैलेंट को कदर करो यार, टैलेंट को आगे ले जाओ। नहीं वैसे तो है, बट ये क्या है कि एक मैं ये नहीं बोल बन जाता ना भाई जी, आपके आवाज में दम नहीं है ठीक है, बट आपकी 2014 2015 इस सब की तू गाने दिखे ना तो तू पागल हो जाएगा। ऐसे गाने हैं कि एक रिलेटिव, ये सब जो वो आया ना टिकटॉक, उसके बाद सब हो गया है सब। छोड़ो अभी, कोई हम अभी अभी जितना चाहे बोल सकते हैं इसके बारे में ठीक है, टैलेंट के बारे में तो कुछ नहीं है, और टोनी भाई के बारे में आधा घंटा ऊपर हो गया होगा, क्योंकि हमारा जो अभी जो रिएक्शन है वो लंबा होगा ना, आपको भी बोर होगा मतलब इतना बड़ा वीडियो देखने में, ऐसे ही कुछ लंबा बोल 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 करके क्या फायदा, क्योंकि हम बोलने में तो बहुत बोल सकते हैं, बट हमारा भी क्राइटेरिया एरिया होता है जो इतना मतलब बोल नहीं सकते, नहीं तो मुंह से कुछ भी निकाल सकते हम, नहीं बोल सकते आप, रेस्ट्रिक्शन आ गए तो फिर हमारा भी मतलब होता है कि थोड़ी ध्यान से करना पड़ता है कम्युनिटी के अंदर। और आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरा एक ही सपना है ये वीडियो वायरल कर दो, कुछ भी हो ये टोनी भाई के पास पहुंचना चाहिए। ये वीडियो चला गया ना, अरे हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी ऊपर से कुछ फेंकने को बोलेंगे तो फेंक दूंगा मैं उसको टोनी भैया को। नहीं नहीं हम पढ़ जाएंगे, हम गिर जाएंगे। टोनी भैया अपने अपने आप वहां पे सही हो। और एक बार फिर से बोलते, हमारा कोई उद्देश्य नहीं आपको हर्ट करने का, ना ही हम किसी जाति या धर्म को लेके बोलते, ना ही उन सिंगर को लेके बोलते, हम जो सच है वो उसको बाहर लाते ठीक है, तो आप आगे से ध्यान रखना। धोनी भैया अपनी जगह सही है, आप उनके यानी कमेंट बॉक्स में जाके मैं लिख दिया कि ऐसा ऐसा है, वो अपनी जगह, नॉट इट्स टोनी ठीक है। वाह वाच कर दी। सो क्या बोलेंगे अभी, बस उनको यानी हर्ट नहीं करना है आपको, बस हमने जो सच था वो बताया है और कुछ नहीं किया, जो सच के ऊपर से हमने पर्दा हटाया। इसको वायरल कर दो, इतना इतना बार बार बोलूंगा इसको वायरल करो, प्लीज प्लीज वायरल कर दो, क्योंकि ये सही वीडियो है, नहीं कोई गलत रिएक्शन, ये अंदर से निकला हुआ है, सच में बोल रहा हूँ, वायरल कर दो, कुछ भी हो कुछ भी हो, बस आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। चलो तो मेरा भी आज रिएक्शन हो गया, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज का हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और फिर से बोलते हैं हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी भी धर्म जाति या किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो इसको सीरियसली लेने क्योंकि हम खुद नहीं लेते, या हम खुद नहीं लेते, हम सच बताते, मौज में बताते, मस्ती में बताते हैं ठीक है, ध्यान रखना। चलो बाय बाय, टेक केयर।